जी अस्सलाम वालेकुम, गुजर फार्मिंग लिंक में सब दोस्तों का वेलकम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हैं दोस्तों को मिलती रहें। मैं माजरत चाहता हूँ सर के वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका। काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज आए हैं कि सर को नई वीडियो जो है ना कीकर के अंदर जो वेजिटेबल का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है उसके बारे में नई वीडियोज़ अपलोड की जाए। तो ये सर फार्म की पोजीशन में असल में ये लास्ट दो हफ्ते पहले जो गर्मी का झटका लगा है टेम्परेचर 50 पे गया था, 48-50 टेम्परेचर है, जिसकी वजह से कद्दूओं की जो बेलें हैं उसको थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो कवर हो रही हैं। घिया तोरी जो है असल में जो दोस्त भाई हैं मुझे उनका माइंड ये होता है कि घिया तोरी जो है उसका अच्छा सीड कैसे मिले, क्या हो। अच्छा सीड भी डिपेंड करता है काफ़ी, लेकिन घिया तोरी को अगर हम किसी जाल के ऊपर या किसी तार के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर उसकी बेलें चढ़ाएंगे उसके साथ जितनी घिया तोरी लटकेगी उसका साइज़ उतना ही लंबा होगा। जैसे कुछ जो घिया तोरी होती हैं वो हम ज़मीन के बेड के ऊपर फेंक देते हैं उनकी उसकी जो बेलें होती हैं तो वो डड्डू सी बन जाती होती हैं। तो जितनी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म के अंदर असल में सुबह इसकी तुड़ाई करवाई है, तकरीबन 4 से 5 किलो जो है वो हुई है, सुबह मैंने तुड़ाई करवाई है। लेकिन जो है ना अब एक दो घिया तोरी मेरी नज़र में हैं जो अभी रह गए हैं, तो मैंने कहा चलें जो है ना भाइयों को दिखाऊंगा। सर ये साइज़ चेक करें घिया तोरी का, सर ये चीज़ देखें, ये चीज़ ये कम से कम सर ये देख लें, ये 1 फुट का साइज़ है, ठीक है। ये लटक रही है, इसने अब इसे पकना शुरू हो जाना है, ठीक है। अरे ये चीज़ देख ली है, ये सीड का भी सीड भी ज़रूर डिपेंड करता है, लेकिन घिया तोरी जितनी लटकती है जाल के ऊपर या तार के ऊपर या लटकने वाली जगह पे तो वो उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था, ठीक है। ये घिया तोरी जो है ना ज़मीन पड़ी डड्डू बन गई है, ये ज़मीन पर लटक रही है, ये यहाँ पड़ी हुई थी। तो जितनी घिया तोरी लटकेगी उसके उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। सीड भी डिपेंड करता है, लेकिन जो है ना पानी की शॉर्टेज, बिजली आ रही है बिजली जा रही है, पानी मिल नहीं रहा, 700 रुपये घंटा पानी, कुछ कुछ पानी के मसाइल आए थे। यहाँ पे शायद जो पुरानी वीडियो जो दोस्त वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना जो दरमियान में जो खेले खाली पड़ी हुई हैं यहाँ पर हमने के मसाइल आए थे, यहाँ पर शायद जो पुरानी वीडियो जो दोस्त वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना जो दरमियान में जो खेले खाली पड़ी हुई हैं यहाँ पे हमने जो है ना वो लगाए थे, अल्लाह भला करे आपके, पालक और धनिया लगाया था, पालक और धनिया लगाया था। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ का विज़िट करवाता हूँ। ये आप देख रहे हैं घिया तोरी, ये जो नीचे पड़ी है यही डड्डू बन गई है, अगर ये लटक रही होती तो ये इसी लंबाई में जाना था। सेम ये पोजीशन देख रहे हैं ऐसी जो है ये जो ये इसने भी यहाँ डड्डू बांध जाना है, क्योंकि इसकी ये जो तार जो है जो प्लास्टिक की वो जो कॉटन की लगाई थी ये अंधेरी रात को चली है जिसकी वजह से ये गिर गई है, लेकिन इसकी मैं सेटिंग कर दूंगा। और कद्दू माशाल्लाह मेरे अच्छे चल रहे हैं, और ये दरमियान वाली जो खेल है इस पर भी सब्जी लगा रहा हूँ, इसकी थोड़ी सफाई कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नई वीडियो आएँगी नेक्स्ट जो है, ये तकरीबन सारा ही कद्दू लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो पालक में मज़ा इतना नहीं आया, वो रमज़ान में बस थोड़ा बहुत रेट लगा है, रेट पे भी डिस्कस करूँगा सारी बारी बारी दोस्तों से, ठीक है। और एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और ये जो है एक ये सख्त गर्मी, पानी सब कुछ मिल रहा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन ये गर्मी इसके जो है ना गर्मी ने तबाही मचाई है। लेकिन अब नई जो है वो पत्ते निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कद्दू पे मैं वीडियो बनाऊंगा, दोस्तों को इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। ये नए पत्ते निकलते रहते हैं, नई शाखें निकलती रहती हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे।